नाबालिकांकु पिटी पिटी हत्या अभियोग खेलुथुबा बळे नाबालिकांकु जणे नाबालक पिटी पिटी हत्या करथबा अभियोग होईछि। एनि मृत नाबालिकांकर बापा थाना रे अभियोग करिछन्ति। घटना घटिछि बुर्ला थाना विष्णु मंदिर पडा रे। खेलुथुबा समय रे कोनोसी कारणवशत नाबालक जणक तांक झियोकु पिटी मारि देथबा अभियोग होईछि। नाबालिकांकर बापा झियोकु हत्या करा जैथबा ने बुर्ला थाना रे अभियोग करिछन्ते। अभियोग परे पुलिस घटनार तदंत आरंभ करिछि। कोनोसी कारणरु नाबालक जनक बाडी रे पिटितबा बळे नाबालिकार नाक एवं मुंडरे बाजिथिला। घटनास्थल रे नाबालिका जनक चेतासून्य होइ जायथिले। डाक्टरखाना निया जायथिबा बळे डाक्टर तांकु मृत घोषणा करिछन्ते। गुणमणि विश्वाल आम सहित जोड़ी होती एने के अधिक सूचना देखें। गुणमणि ये कि प्रकार अभावन घटना एवं मानसिकता किभली छोट पिला परिवर्तन होते हिंस्र हो घटना स्पष्ट सूचना दौर से संपर्क में देखो निश्चित भाव में जो संबलपुर जिलार विगत दिन क्राइम ग्राफ को आप देखिए अपराध को समालोचना करेंगे तो गोटे कथा सामना को आसूची जे 11 वर्ष 12 वर्ष जो पुआ माने रोचंती बा नाबालक माने रोचंती ड्रग्स कारबार लिप्त होकर विभिन्न अपराध रे जड़ित होती हत्या एवं दादाबट्टी भलिया घटना सामना को आसूची किंतु ये जो अभावनीय घटना घटी बुर्ला विष्णु मंदिर पड़े निश्चित भाव में हृदय विदारक घटना या पूर्व देखु पर दिन जेहेतु घटना घटनार प्रथम दिन ही अस्वाभाविक भाव मृत्यु होता नाबालिक बापा थाना गोटे यूटी केस करते कि परवर्त मुहूर्त से हत्या कर अभोग आनी तेरे दुई जन जो नाबालक नाबालिका रही दुई जन जाक सांग खेलुते कौन कारण झगड़ा होता उभयों भितर और झगड़ा हबु नाबालक जनक उत्त्यक्त हो एक बाड़ी में पिटी पिटी मारी अभोग कर नाबालिकर बापा तेरे जिते बाड़ी में पिटीते नाक मुंडे बाजिता रक्तस्राव होता से ही नाबालिका जनक चेताशून्य होते चेताशून्य भाव में नाबालक जनक दौड़ी दौड़ी घर को पलते तो यह स्थित में नाबालिकार जो बापा रही है प्रथम दिन थाना गोटे यूडी केस करते कि परवर्त मुहूर्त लगला कौन कारणवश पिटी पिटी मारी बोली तो यही हत्या अभोग आनी उभय जेतु नाबालिका और नाबालक होव पुलिस को गोटे चैलेंज एवं पुलिस घटनार तदंत कर प्रकृत घटना कौन घटी केवल नाबालक जनक पिटी पिटी मारी तमाम दिग उपर पुलिस बर्तमान तदंत कर पुलिस तदंत पर ही कथा तो स्पष्ट हो पार आम जेहतु नाबालक नाबालिका परिचय प्रकाश करुणमणि स्पष्ट भाव जाना चाहिए प्रकृत में देखो जो नाबालिका मृत्यु होती बयस न हो जो नाबालक जनक बर्षे सान बयस आठ बोली जहाँ पुलिस नाबालक कहानी गुणमणि निश्चित भाव देखो आठ वर्ष मानने दुई दुई क्लास दुई पढ़ुवा कथा एथर जो लॉकडाउन समय केते श्रेणी पढ़ुं ता तो ठीक करम पाखे खबर ना कि जदि जड़े छह वर्ष नाम लिखा तो निश्चित भाव दुई किन पढ़ुवा नाबालिका जन तीन कि चार पढ़ुवे तो मानक निश्चित भाव में गोटे शिशु आख्या दिजिव जदि शिशु मैंने यह कांड घटू तो निश्चित भाव में गोटे चांचल्य खेली बुर्ला अंचल में यह घटना पूर्व के देखा मिल ना निज बयसर गोटे बड़ गोटे वर्ष बयस बड़ नाबालिका जो नाबालक जनक खेलुवा खेलुवा समय बाड़ी में पिटी पिटी मारिदेवा केमती संभव हो निश्चित भाव में पुलिस हाँ ये गोटे बड़ चैलेंज प्रकृत रे एवं ये केवल पुलिस पे चैलेंज नुहे मुझे भाव में प्रश्न आपको ये पचारिथिली जो भाई हिंस मनोभाव धीरे धीरे बढ़ी जाऊँ आम शिशु मानक भितर ये बापा मानक बापा और माँ मान अभिभावक मानक भी गोटे बड़ चैलेंज किभली भाव में हिंस होम पाने मानसिकतार केते परिवर्तन आनवा दरकार ये अपराध में धीरे धीरे जड़ित हो जाते अजणात कौटि ना कौटि निश्चित भाव में देखो जेहतु मुझ पूर्व जमी कहती कि संबलपुर जिले में 10 रु 11 वर्ष जो नाबालक मैंने वर्तमान निशा कोरेक्स बटिका ये सब जिन लिप्त हो सारे अंपक्ष सचेतनता अभाव रोच छोट छोट जो शिशु मान नाबालक मैंने कौटि के जाऊँ क्या सागर मिशुंट कौन खाऊंट कौन व्यवहार करपर्क अधिक निश्चित आलोचना करवा अन्य बुलेटिन गुड़िक प्रकृति में तदंतर दिग कौन जाऊँ घटना था अन्य भी किए थे कि प्रकृति में कौन एत कि प्रकार गोटे स्थिति होता आज एत रागि जाता से छोट पाटी जी कह एमती गोटे अघटन घटी बर्तमान पर बहुत बहुत धन्यवाद गुणमणि विश्वाल आम सहित तो जोड़ी होते संबलपुर जो गोटे अभावन घटना घटी जा गोटे 8 वर्षर शिशु मुझे ये जी गोटे 9 वर्षर गोटे झीटी ता सहित खेलुवा अवस्था कौन सी कारणवशत पिटी पिटी मृत्यु होटीर तेनाली ये गोटे बड़ चिंताजनक ये केवल
पुलिस चैलेंज नुहे आम समाज चैलेंज आम अभिभावक मान गोटे प्रकार चैलेंज